तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने एक फार्मूला देखा। अब इस पे अपन उस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि अगर कभी आपको, वैसे अपन दो फार्मूले पढ़ चुके हैं तो अपन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था साइन अगर ए प्लस बी मिले और फिर अगर साइन ए माइनस बी मिले, तो अपन क्या बोल देते हैं, एक बार साइन का है ना, साइन स्क्वायर ए और एक बार साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर कॉस को पहले आना है बच्चों, कॉस में उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इसमें क्या था, थोड़ा फार्मूला ध्यान करने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने जैसा बताया है, अगर आप वैसा ध्यान करने की प्रैक्टिस करोगे बच्चों, ध्यान करने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि चीज़ हम कैसे ध्यान करें, कैसे मेमोरी में लाएंगे। याद रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना। तो अपन ने बोला है कि ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। साइन में है तो सीधा है, ए पहले है बी बाद में है, कॉस में होगा तो कॉस का व्यवहार उल्टा, तो बी पहले और ए बाद में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो अगर साइन ही पूरा साइन ही रहे या पूरा कॉस ही रहे, ठीक है, तो वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का होगा। कॉस में क्या है, एक ही बार में साइन कॉस दोनों आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है, इससे क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं बच्चों, इससे बनते हैं अगर कभी साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी मिल जाए, तो आप सीधे बोल सकते हो एक बार साइन का ए प्लस बी और एक बार साइन का ए माइनस बी, और इसके बराबर भी हो जाएगा। तो एक बार अगर कभी कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए मिल जाए, तो आप सीधे बोल सकते हो एक बार साइन का ए प्लस बी और एक बार साइन का ए माइनस बी। मतलब अगर साइन ही साइन में पूरा रहेगा और कॉस ही कॉस में पूरा रहेगा, तो वो साइन वाला फार्मूला है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन ने आज एक फार्मूला जो प्रूव किया पिछले वीडियो में, वो क्या था बच्चों, वो था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या है, इसमें दोनों एक साथ ही रहते हैं साइन और कॉस। मतलब कहने का ये है कि कॉस से शुरुआत करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर क्या हो जाएगा, कॉस से शुरुआत फिर से होगी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए। प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो इससे अब क्या हो जाएगा, अगर कभी हमें कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी मिला, तो अपन बोल सकते हैं एक बार कॉस का ए प्लस बी और एक बार कॉस का ए माइनस बी, या फिर कभी हमें कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए मिला, है ना, ये मिल गया, तब भी अपन बोल सकते हैं एक बार कॉस का ए प्लस बी और एक बार कॉस का ए माइनस बी। प्यारे प्यारे बच्चों, तो बस इकट्ठा है साइन साइन इकट्ठा है, साइन माइनस साइन कॉस माइनस साइन है, कॉस माइनस कॉस है तो साइन वाला फार्मूला है, अगर साइन कॉस कॉस साइन है तो वो कॉस वाला फार्मूला है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है बच्चों, अगर अपन ध्यान रखेंगे तो हम बेहतर कंडीशन में होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ इससे संबंधित, जो भी क्वेश्चन है वो बच्चों अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जैसे कि फिफ्थ नंबर है बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 45 डिग्री, है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू वन। प्यारे बच्चों, अगर आप दोनों फार्मूले देखो तो दोनों में से कोई भी फार्मूला इसके जैसा नहीं है, है ना। क्यों, पहला फार्मूला हमने जो साइन वाला देखा था, अगर हम उसकी बात करें तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या था बच्चों, ये था या तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहेगा, है ना, या तो कॉस स्क्वायर बी और माइनस का कॉस स्क्वायर बी रहेगा, ठीक है बच्चों। ये इसके जैसा थोड़ा सा दिखाई तो दिया, है ना, कॉस स्क्वायर, लेकिन बीच में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है,
तो मतलब ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो इससे पहला फार्मूला बनता है बच्चों जो हम यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बराबर है इसके, तो होता है साइन ए प्लस बी और होता है बच्चों साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ये पहला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है। अब इससे अगला फार्मूला बनता है बच्चों ये वाला, ये भी इसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर बी से स्टार्ट होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी। हमें लगा ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि फार्मूले में माइनस होता है और यहाँ बच्चों प्लस है, तो ये भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, कॉस में पढ़ा है कि कॉस ए प्लस बी इंटू जो कॉस हमारा ए माइनस बी है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर बी और माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब इनमें से दो फार्मूले हैं बच्चों, एक फार्मूला है अपना इस, ये इसके बराबर जब होगा तो फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी के बराबर और कॉस ए माइनस बी के बराबर, है ना। अब ये इसके बराबर होगा तो एक फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एक बार कॉस का ए प्लस बी और एक बार कॉस का ए माइनस बी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इन फार्मूलों की बात करते हैं क्या अप्लाई होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों, दोनों के दोनों अप्लाई हो सकते हैं। अब बोलो कैसे सर, यहाँ तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ तो एक कॉस है और एक साइन है, एक कॉस एक साइन है, आप कैसे बात करते हैं सर, आप आज नशे में तो नहीं हैं ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन लग जाएगा बच्चों, क्यों लग जाएगा, मैंने क्या बोला है, अपन कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब साइन माइनस में आ जाएगा, है ना, तो एक कॉस का एक माइनस का साइन, काम हमारा बन जाएगा। बनी बात है कि ये तो नहीं अप्लाई होंगे, इसमें साइन साइन कॉस कॉस है, जब मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो एक कॉस हो जाएगा एक साइन हो जाएगा, तो या तो ये अप्लाई करो या तो ये अप्लाई करो। ठीक है बच्चों, तो अपने को माइंड में रखना है कि भैया फार्मूला कौन सा फिट बैठ सकता है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इतना फार्मूला लिखवाया, मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं इतना लंबा फार्मूला लिखवाऊं, मैं तो डायरेक्ट बोल सकता था कि ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन तब बच्चों का माइंड ब्लैंक हो सकता था, इसलिए मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, अब अप्लाई करवा दूंगा, है ना बच्चों। तो मैं क्या करूं, सबसे पहला काम तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 45 डिग्री और प्लस ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 45 डिग्री, है ना बच्चों। अभी अपन क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर है, इसको रहने दो चुपचाप, है ना बच्चों, कॉस स्क्वायर हो जाएगा बच्चों थीटा प्लस 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अभी जो कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बोला कॉस के सामने साइन के सामने जो भी है वो थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है क्या, थीटा के स्थान पे है थीटा माइनस 45 डिग्री, है ना, समझ में ना आया हो बच्चों, तो आप बोलो सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो इस हिसाब से कॉस चाहिए तो कॉस को रोक लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बात है। अब तो अगर आप कॉस स्क्वायर राम भी करो बच्चों तो वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर राम ही होगा, एंगल के स्थान पे कुछ भी हो उससे लेन देन नहीं है, तो एंगल के स्थान पे ये है तो वन माइनस साइन स्क्वायर ये, है ना बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं फिर, अभी राम वाला आप मत लिखना कि नोट्स में लिख दो तो नंबर ना मिले, है ना, अभी देखते हैं बच्चों। अब देखो इस वन को अपन अलग कर लेते हैं, है ना, इस वन को अपन पहले लिख लें और फिर प्लस का ये लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 45 डिग्री,
अब कोई बोलेगा सर इसको आप प्लस क्यों कर दिए, यहाँ तो प्लस लिखा नहीं था। बच्चे कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही है, ठीक है ना। अब फिर माइनस का प्लस को लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं होती है, है ना। थीटा माइनस 45 डिग्री। अब बच्चों बना फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, कॉस वाला फार्मूला बन गया। तो अब अपन यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला कि सिंस वी नो दैट, अगर हमें कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी मिल जाए तो अपन ने फार्मूला बनाया है एक बार कॉस का ए प्लस बी और एक बार कॉस का ए माइनस बी होता है। प्यारे प्यारे बच्चों तो बस यहाँ से कर दें, स्पेस कम लगेगा, सॉरी वन तो वन है अब प्लस। अब एक बार कॉस का अब बच्चों देखो कॉस स्क्वायर ये ए के स्थान पे है और कॉस स्क्वायर ये बी के स्थान पे है, मतलब ये है बच्चों ए के स्थान पे और ये है बच्चों बी के स्थान पे। तो एक बार कॉस का ए प्लस बी, एक बार कॉस का ए प्लस बी, ए मतलब थीटा प्लस 45 है ना बच्चों, और प्लस बी थीटा माइनस 45। कॉस का एक बार ए प्लस बी और फिर बच्चों होगा कॉस का ए माइनस बी, ए मतलब प्यारे बच्चों थीटा प्लस 45 माइनस बी मतलब प्यारे बच्चों थीटा माइनस 45। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, थीटा प्लस 45 थीटा माइनस 45 थीटा प्लस 45 थीटा माइनस 45, एक बार ए प्लस बी हो गया एक बार ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ गए बच्चे लोग। आगे बढ़ जाएं, इज इक्वल टू वन तो वन, प्लस तो प्लस, फिर कॉस है तो थीटा प्लस 45 ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्लस थीटा माइनस 45 है ना बच्चों, फिर यहाँ कॉस है तो कॉस लगा देंगे थीटा प्लस 45। बच्चों माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, थीटा प्लस है तो माइनस थीटा, ये माइनस है तो प्लस का 45 डिग्री। बच्चों इस बार कैंसिल होगा, इस बार कैंसिल होगा 45 प्लस 45 माइनस और यहाँ पे थीटा माइनस और थीटा प्लस। यहाँ तक प्यारे बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो प्यारे प्यारे बच्चों आप ज़रूर बताइएगा। दिक्कत तो नहीं हो गई, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने। कॉस ऑफ ए प्लस बी है ना, ए तो थीटा प्लस 45 ही था, ठीक है, तो फिर देखा जाएगा, गलतियां होगी भी तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे इज इक्वल टू वन तो वन है, प्लस तो प्लस है। बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और थीटा टू थीटा, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, इनटू है बच्चों, इनटू को इनटू ऐसा भी कर देते हैं, यहाँ भी कॉस है बच्चों तो कॉस कर दिया, यहाँ बचेगा 45 45, 45 45, 90, 45 प्लस 45 90 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। अब हमें एक बात पता है कि सिंस वी नो दैट जो कॉस 90 डिग्री होता है वो जीरो होता है, काम हो गया हमारा, वन प्लस यहाँ पे कॉस टू थीटा, कॉस 90 के जगह पे अपन इनटू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। भैया जीरो में कुछ भी गुणा हो जीरो बन जाता है, बन जाता है ना बच्चों। तो इज़ इक्वल टू वन प्लस जीरो मतलब वन आ गया, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, भैया यही प्रूव करना था, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब चुपचाप से लिख देंगे कि पी आर ओ वी ई डी, क्या लिखेंगे बच्चों, पी आर ओ वी ई डी क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। अब अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं बिना फार्मूला प्रूव्ड किए, ये अगले फार्मूले पर बेस्ड है लेकिन इस फार्मूले को प्रूव्ड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने इसमें आपको एक छोटा सा मंत्र बताया था, छोटी सी बात बताई थी, अगर वो बात याद होगी तो ये वाला फार्मूला बिना प्रूव्ड किए हम उससे संबंधित अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी फिफ्थ का सेकेंड है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि साइन ऑफ ए माइनस बी है ना, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस इज इक्वल टू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन क्या करें अपन कॉस बी और कॉस सी इज इक्वल टू प्यारे बच्चों करना क्या है, अच्छा ये प्लस है, सॉरी प्लस है, प्लस 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 सब जोड़ना है इनको, प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए, साइन ऑफ सी माइनस ए बच्चों साइन ऑफ सी माइनस ए
अपॉन प्यारे बच्चों क्या कर दें, अपन अपन कर दें साइन सी अपॉन साइन सी और कॉस ए होगा, अरे कॉस सी और कॉस ए होगा इज इक्वल टू बच्चों हमें जीरो प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसका भी एक फार्मूला है लेकिन अपन उस फार्मूले से अब नहीं जाएंगे, ठीक है बच्चों। अपन डायरेक्ट यहीं पे कर दें, क्योंकि इसके बारे में अपन ने एक बार चर्चा करी थी, सेम एग्जैक्ट यही नहीं लेकिन इसके जैसा कुछ अपन ने चर्चा करी थी। तो बच्चों सबसे पहले अपन पार्ट फर्स्ट लेते हैं, क्या लें बच्चों, पार्ट फर्स्ट ले लें। अब पूरा लेके चलेंगे तो आपकी कॉपी में आएगा नहीं, पूरा बोर्ड मेरा तो बोर्ड भर जाएगा, आपकी कॉपी में आएगा नहीं। वैसे अगर आ जाए तो कहो तो मैं एक साथ लेके चलूँ, लेकिन एक साथ लेके चलेंगे बच्चों तो पूरा कॉपी में नहीं आ पाएगा, तो अपन अकेला अकेला करते हैं, ठीक है। हम हल करके बोलेंगे बच्चों, हल करके बोलेंगे, पहले इसको अपन सॉल्व करें, है ना। क्या सॉल्व है बच्चों, क्या करेंगे इसको, ये साइन ए माइनस बी है अपॉन है प्यारे बच्चों कॉस ए और कॉस बी, ठीक है। अपन क्या करें, अलग अलग इसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, यहाँ अलग एंगल है, यहाँ अलग एंगल है, कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ता है फालतू फालतू की चीज़, मतलब फालतू चीज़ नहीं, मतलब लिखना पड़ेगा इसमें अलग भाग, इसमें अलग भाग, इसमें अलग भाग, इसलिए अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ता है। तो कॉस ए कॉस बी, तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ अपन क्या बोल देंगे, अपन बोल देंगे सिंस बी नो दैट, है ना, सिंस बी नो दैट, हमें पता है बच्चों कि जो हमारा साइन ऑफ ए माइनस बी है वो होता है साइन ए और कॉस बी, माइनस है तो माइनस, और कॉस ए और साइन बी। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बच्चे ज़रूर बताएंगे। तो इसके हिसाब से बन जाएगा बच्चों साइन ए और फिर कॉस बी, माइनस तो माइनस, और कॉस ए और साइन बी। यहाँ तक प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी, ठीक है बच्चों। अभी देखो अपन ने बोला क्या था, वो जो अपन ट्रिक की बात करें उसकी भी आवश्यकता नहीं है, मुझे लगा कि साइन और कॉस का मिक्सचर होगा तो टैन बनाना होगा, इसमें जीरो बनाना है, टैन वाली कोई बात ही नहीं है, बनेगा टैन ही। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी साइन और कॉस का मिक्सचर हो और अंश बटे हर हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, है ना, तो टैन ही बनेगा। अगर आपको टैन बनाना है आप कॉस का भाग करो, मैंने आपको पहले बताया था, और अगर नहीं बनाना है तो वो फाइनली टैन ही बनेगा, ठीक है ना, चेक कर लो बच्चों। यहाँ पे अपन स्प्लिट करके देख सकते हैं, अपन को पता है बच्चों कि ए प्लस बी अपॉन सी हो तो अपन एक बार ए के अपॉन में सी कर सकते हैं, प्लस तो प्लस, अपन फिर एक बार बी के स्थान पर सी कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा अपन कर सकते हैं, एलसीएम सी लोगे बच्चों तो वापस से वही आ जाएगा, मतलब जो ये लिखा है बच्चों वही ये भी लिखा है, तो स्प्लिट अपन कर सकते हैं बच्चों। तो एक बार ये इस पूरे के स्थान पे साइन ए और कॉस बी के स्थान पे ये पूरा, मतलब कॉस ए और कॉस बी, मतलब बच्चों कॉस ए और कॉस बी, अब माइनस तो माइनस, इस बार कॉस ए और साइन बी के अपॉन में ये पूरा, मतलब क्या कॉस ए और कॉस बी। कुछ बच्चे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि एक के अपॉन में केवल कॉस ए ले लेते हैं और इसके स्थान पे केवल कॉस बी ले लेते हैं, बच्चों गलत बात है। देखो अपन ए प्लस बी अपॉन अगर सी है तो अपन कर सकते हैं ए अपॉन सी, मान लो चलो सी डी है तो अपन कर सकते हैं बच्चों ए अपॉन सी डी इंटू बी अपॉन, सॉरी प्लस है तो प्लस, बी अपॉन सी डी। क्यों, एलसीएम लेके, फोन बजना चालू, एलसीएम लेके अगर अपन है ना, एलसीएम लेके अपन देखो बच्चों सी डी कर दें, है ना, सी डी एलसीएम आएगा तो आपस से ए प्लस बी ही बनेगा, है ना, आपस से ए प्लस बी ही बनेगा, है ना बच्चों, आपस से फोन आने लग गया।
वापस से बच्चों ए प्लस बी बनेगा, मतलब इसको अपन ऐसा कर सकते थे। आप सपोज करो कुछ बच्चे का, जैसे मैंने बोला कि एक के अपॉन में कॉस ए कर देंगे, एक के अपॉन में कॉस बी कर देंगे, तो अगर अपन एक के स्थान पर सी कर दें, एक के स्थान पर डी कर दें बच्चों, तो गलत हो जाएगा ना, एलसीएम तो सी डी ही आएगा। अब लेकिन सी से सी कैंसिल, डी बचेगा, डी का ए से गुणा तो ए डी हो गया, डी से डी कैंसिल सी बचा, सी का बी से गुणा तो बी सी हो गया। तो बच्चों था ए प्लस बी अपॉन सी डी, अब हो क्या गया, ए डी प्लस बी सी अपॉन सी डी। मतलब ये गलत बात है ना, मैथ में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो मर्जी आया कर दो, है ना, जो है वही रहेगा। तो इस तरीके से हमें स्प्लिट करना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, प्यारे बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, टैन ए हो जाएगा, माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होगा बच्चों, टैन बी हो जाएगा। यहाँ अपन बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, क्या है ये कि साइन ए माइनस बी अपॉन जो कॉस ए और कॉस बी है वो इतना आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है बच्चों। अब आप एक और सॉल्व कर लो, फिर अगले को बोल देना इसी प्रकार, ये इक्वेशन आप ध्यान के रहना, है ना बच्चों, वीडियो को रोक के आप उतार लिया करो, ये इक्वेशन आप ध्यान के रहना बच्चों। अपन अब अगला वाला प्रूव्ड करते हैं, तो मैं अगला केवल एक प्रूव्ड करूँगा, अगले वाले को बोल दूँगा इसी प्रकार, है ना बच्चों। तो अब अपन बोलेंगे कि क्या सॉल्व करना है हमें, अपन को अब अपने करना है साइन बी माइनस सी अपॉन क्या है बच्चों, कॉस बी और कॉस सी है, ठीक है बच्चों। साइन बी माइनस सी क्या हो जाएगा, मैंने बोला फार्मूला याद करने का तरीका, साइन लिखो फिर कॉस लिखो, माइनस है तो माइनस कर दो और फिर कॉस कर दो और साइन कर दो, फिर ए बी हो तो ए बी लगाओ, बी सी हो तो बी सी लगाओ, मतलब यहाँ बी सी कर दो, यहाँ बी और सी कर दो, बहुत ईजी है बच्चों फार्मूले। तो अब यहाँ पे है बच्चों कॉस बी और कॉस सी, है ना, यहाँ फार्मूला लिख दो कि सिंस बी नो दैट जो साइन ए माइनस बी होता है वो होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी, ए के स्थान पे बी था तो बी आ गया, बी के स्थान पे सी था तो सी आ गया, ठीक है। अब करेंगे अपन स्प्लिट, तो एक बार इस पूरे के अपान में ये पूरा, मतलब साइन बी और कॉस सी के स्थान पे बच्चों कॉस बी और कॉस सी, माइनस तो माइनस, कॉस बी और साइन सी के स्थान पे बच्चों कॉस बी और कॉस सी, बच्चों कॉस सी से कॉस सी कैंसिल, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, तो बच्चों साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, टैन का बी हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी टैन का सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ गया, ये आ गया साइन बी प्लस सी अपॉन कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखना, अब मैं अगला वाला यहीं पे इसी प्रकार करके कर रहा हूँ, अब आपको करना हो तो कर लेना, मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार, आप उसे भी कर लेना, वैसे मैं कर रहा हूँ बच्चों इसी प्रकार, सिमिलरली बच्चों आपने देखा कि साइन बी प्लस सी अपॉन कॉस बी प्लस सी, बी और सी है तो टैन बी माइनस टैन सी हो गया, है ना, ये बी माइनस सी है, ठीक है ना, बी माइनस सी है तो टैन बी माइनस टी टैन सी हो गया। सॉल्व करके देख लेना, अगला वाला जो है बच्चों साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी और जो कॉस ए है बच्चों, ये बी माइनस सी था तो टैन बी माइनस टैन सी हुआ, तो ये सी माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, टैन सी माइनस टैन ए हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, तो अब अपन लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, है ना, यहीं पे कर देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए माइनस बी है तो टैन ए माइनस टैन बी है, प्लस तो प्लस, बी माइनस सी है इसकी वैल्यू टैन बी माइनस टैन सी है, प्लस तो प्लस, सी माइनस ए है तो इसकी वैल्यू टैन सी माइनस टैन ए है, है ना, यहाँ लिख देना समीकरण एक दो एवं तीन से, कहाँ से लिए वैल्यू, अपन लिखे फ्रॉम इक्वेशन समीकरण एक दो एवं तीन से,
बच्चों टैन ए से ये टैन ए कैंसिल, टैन सी से टैन सी कैंसिल, ये सही है, प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पी आर ओ वी ई डी, प्रूव हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन में बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।